अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा रात, देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह नए मेहमानों के साथ। जैसे कि आपके पास नए टैलेंट आते हैं रोज़ाना तारा रारा के शो पे, ऐसे ही आज हमारे पास जो नए स्टार्स आए हैं, तो वेलकम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने शो पे वकार अली और मुमताज़ अली को। वकार बलोच और वकार अली एक ही बंदा है। चलो मैं बलोच भी बोल देती हूँ, वरी मुझे ये शो के बाद में क्या भाई हमारा बलोच नाम नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं कोई कोई वो तो मुझे बताए। अच्छा मैं सबको बता दी हूँ कि हमारे टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा इनको वेट करना पड़ा और ये काफ़ी देर बैठे रहे, तो मैं इसके लिए एक्सक्यूज़ करती हूँ आपसे कि आप लोगों ने इंतज़ार किया और आपकी मोहब्बत है आप लोग बैठे तो। सिग्नल्स इश्यूज भी चल रहे थे तो इस वजह से रब्ता मुनकता रहा हमारा। लेकिन मैं आ गई थी स्टूडियो में जब मुझे पता चला कि मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं। तो ये हैं हमारे साथ आज के मेहमान, हमारे टिकटॉक बहुत अच्छी बनाते हैं टिकटॉक। तो ये पूछते हैं टिकटॉक ऐप पे क्या कंटेंट है आपका? टिकटॉक बस ये जो है ना वीडियोस जो अच्छे लगते हैं लोग जो फेमस होने के लिए, तो सोचा कि हम भी ज़रा फेमस ही हो जाएं। आप क्यों बनाते हैं? भी ऐसे जो बनाते हैं अच्छा लगता है कि टिकटॉक बनाना। यार ये क्या है, शो पे गेस्ट आते हैं बोल के मेरी तरफ इशारा कर देते हैं कि आगे से मैं कंटिन्यू करूं, खुद क्यों नहीं बोलते तुम लोग? टिकटॉक बनाना अच्छा लगता है बहुत, उसको बहुत सारे देखते हैं इसलिए फेमस होने के लिए। ये मतलब आगे से मैं बोलूं? हाँ वे फेमस होने के लिए बनाते हैं, इनको शौक है फेमस होने का और वरी ये जो है आगे बहुत आगे तक जाएंगे इसलिए टिकटॉक बनाते हैं। सही बोल रही हूँ? जी जी। सर को शान में गुस्ताखी तो नहीं कर रहे? सही है। अच्छा मुझे वकार बलोच आप ये बताएं टिकटॉक का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? ये मेरे दोस्त हैं दो, तो उनको बस दो दोस्त हैं नहीं जो इनको जो ज्यादा जो अच्छे टिकटॉक्स बनाते हैं। ओके कौन है, नाम बताएं? नाम मेरे दोस्त हैं गुलाम अब्बास मरिए और गुलाम रजा मरिए। अभी ओके गुलाम रजा मरी और गुलाम अब्बास मरी अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे टिकटॉक बनाते हैं और इंशाल्लाह गुलाम अब्बास का मेरा यही मैसेज है आपके दोस्तों को, आपके दोस्त हैं इसीलिए मैसेज देना पसंद करूंगी कि। और दूसरा मेरा जो दोस्त है आशिक भट्टी, मैसेज दे दूं? मैसेज दे दो। वो बेचारा सुनता रहेगा मैसेज कहाँ दिया है। मैसेज दूंगी कि भाई आप अच्छी टिकटॉक बनाते हैं, आपको भी दावत है हमारे शो पे, कंटिन्यू अब आप करें। तो आएंगे आशिक भाई तो आप ज़रूर आइएगा और थैंक यू सो मच जो है ना तारा ने हमें आपकी वजह से इनवाइट किया। कैमरा आपका तो वहाँ तो जैन बैठा हुआ है आप जिसको देख रहे हैं, आप भी ज़रूर आइएगा और थैंक यू सो मच तारा आपने इज्जत बख्शी आपने इनवाइट किया। कोई मसला नहीं है। अदा मुझे आप बताएं आपको टिकटॉक का शौक कैसे पैदा हुआ, किसने आपके ये भूत चढ़ाया ये बीमारी लगाई? ये वकार भाई ने स्टार्ट किया तो फिर मैंने भी देखा। अच्छा ये जरा सीम आपको यहाँ से लग गया? जी हाँ। फिर ऐसे ही बनाने के शौक पर आपने किसी को ये जरा सीम लगाए? नहीं नहीं। क्यों, बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मेरा यही दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है वकार बलोच। अच्छा आपकी टिकटॉक कौन बनाता है? मेरे जो है वीडियो बनाता है भाई बनाता है यही, और कोई दोस्त हैं वो बनाते हैं। जी। अच्छा मुझे ये बताएं टिकटॉक आप कोई किसी को पेमेंट नहीं देता तो फिर ये क्यों लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं और ये काम करते हैं? बस जब हम फ्री होते हैं तो फारिग टाइम पे ये टिकटॉक जो हम बनाते हैं। इससे पहले गेस्ट बोल के गए कि टिकटॉक सिर्फ वांदे लोग बनाते हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बस जब हमें फ्री वक्त मिलता है तो सोच क्या कॉन्टेंट है टिकटॉक पे, सैड सॉन्ग्स पे बनाते हैं, खुशी वाले ढोल धमामन वालों पे बनाते हैं या वॉक पे बनाते हैं, टशन गनमैनों के साथ बनाते हैं, क्या कॉन्टेंट? ये जिस हिसाब से होता है इस तरीके से बनाते हैं, जैसे कुछ भी मिल जाए कुछ भी मिल जाए जैसे आजकल वो पर्ची पवे यार वो बन चल रहा है तो उस पर बना रहे होंगे? उस पर ये ज़्यादा मशहूर हो गया। ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं सिंगर सज्जाद सोलंगी, कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, और दूसरा सॉन्ग इनका ये बहुत वायरल किया पर्ची पवे यार, तो मैं उनको भी बेस्ट विशेस कहूँगी। बहुत हमारे अच्छे कांटेक्ट में हैं और जब भी मैं कोई उनके सॉन्ग पर वीडियो बनाती हूँ तो बहुत हैप्पी भी होते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब उनका कोई नया सॉन्ग रिलीज़ होता है मार्केट में। हाँ आप बताएँ सवाल पूछें। यार यही सवाल आपसे कि तो सवाल पूछे ना कि आप टिकटॉक क्यों बनाते हैं जब टिकटॉक पे नहीं करता, आपको क्यों, आपको क्या शौक है टिकटॉक का? ऐसे ही फ्री होते हैं जैसे भाई वो बोला अभी बोल रहे थे कि फ्री होते हैं। तुम तो लग रहा हो ये जो बोल रहा है कॉपी पेस्ट, बोलने की भी नहीं जरूरत, तुम बोलो कॉपी पेस्ट करो तारा। फ्री टाइम में बना लेते हैं जैसे कि
काम करके बाद में फ्री हो जाते हैं, बाद में ऐसे ही बना लेते हैं। फैमिली देखती है? जी हाँ। क्या कहती है? कुछ नहीं बोलते। कुछ भी नहीं बोलते? कुछ भी नहीं बोलते। गुस्सा भी नहीं करती? गुस्सा करते हैं, अबू करते हैं, बोलते हैं। अबू क्या बोलते हैं? अबू बोलते हैं टिकटॉक नहीं बनाओ, स्टडी में ध्यान दो। हाँ? स्टडी में ध्यान दो। स्टडी क्या कर रहे हैं? बस मैंने इंटर करके छोड़ दिया अभी। बोला वो भी लटक लटक के पास हुआ। जी हाँ। फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनोगे? आगे पढ़े? डॉक्टर नहीं बनोगे, डॉक्टर बनोगे। पढ़ के इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर? जी। डॉक्टर बोलो। डॉक्टर। 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 ये सही बोला है जी। आप क्या बनेंगे? आप तो बन चुके होंगे, अब मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ। मैंने तो बहुत मेहनत की है, मेहनत करके अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने ऑफिस। क्या करते हैं आप? मेरा ये रेंटे कार का भी है, प्रॉपर्टी का भी है, और दूसरे अभी जो ना ये रेंटे कार की गाड़ियाँ मुझे बड़ी चाहिए होती हैं। नंबर दे के जाइएगा, ये मुझे हैदराबाद से वापसी आने में बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, तो इसके पीछे मेरे दोस्त का हाथ है, आशिक भट्टी, बहुत मेरा वो करता है वो। अच्छा, उसका हाथ है। बस फिर अपनी गाड़ियाँ मंगा लेंगे, कॉल करेंगे, भेज देगा, पता नहीं नहीं भेजेगा, हम गरीब। नहीं, गाड़ियाँ तो मौजूद है जब आप कहेंगे। कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास? सब गाड़ी है हमारे पास। बताए ना। अल्टो से लेके V8 तक। लड़की आपसे कांटेक्ट करना चाहे, अल्टो से लेके V8 तक। कोई लड़की कांटेक्ट करना चाहे तो नाम तो गाड़ियों को बताएं। मैं कहा अल्टो से लेके V8 तक है सारी गाड़ी। अल्टो, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, ऑडी, सब कुछ है। ऑडी, ऑडी V8, प्राडो, सब, रिवो, लेक्सस, सब गाड़ियाँ मिलेंगी आपको। हर गाड़ियाँ। रेंट क्या लेते हैं आप? मुख्तलिफ है। हैदराबाद टू कराची क्या चल रहा है? ऐसे हम नहीं देते, हम जैसे एक हफ्ते के लिए दे दिया, 15 दिन के लिए दे दिया, 6 महीने के लिए दे दिया। पक्की पक्की दे दिया? हफ्ते 15 दिन के लिए भी क्यों देते हो? तो ऐसे ही बस, बाकी एक दिन। हफ्ता 15 दिन का क्या रेंट लेते हो? मुख्तलिफ जो गाड़ियों के हिसाब से। V8 का क्या लेते हो? V8 से है तकरीबन 35 से 40। 15 दिन का? 15 दिन का नहीं, एक दिन का। एक दिन का है। क्या सोना देते हो क्या? गाड़ी भी तो है, 4.5 करोड़ की गाड़ी है। यारी तो तुमने बहुत ज्यादा बता दिए, कोई नहीं लेगा, थोड़ा कम। नहीं नहीं, कोई मेरे रेफरेंस से आए। कम कर ले, कम कर लेंगे हम। कितना कम करो? कम कर, V8 का ही। V8 का एक दिन का क्या करोगे? हम कर देंगे 30 तक करेंगे। और अगर मैं खुद आऊँ? आप तो ले जाना, पेट्रोल डलवा देना। पेट्रोल डलवा दे, डीजल डलवा देना, बस हाँ सोच लिया बस। ये मैं ना लाइव शो में बातें करवाती हूँ लोगों से, ताकि बाद में ये मुकरे नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल, सोच लो। सोच लिया बस इनकी भाई, यहाँ पे मुआहिदा हुआ चाहता है तारा लारा के शो पर, के अगर तारा एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेगी तो वो रेंटे कार का नेम क्या है? हमारा रेंटे कार वैसे हम ऑफिस का ही नाम दिया हुआ है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सर्विस। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सर्विस। ग्लोबल? जी हाँ। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। जी हाँ। तो वहाँ से मुझे V8 का रेंट फ्री में मिलेगा, बस पेट्रोल मेरा होगा। पेट्रोल आपका होगा? पेट्रोल मेरा होगा, कोई मसला नहीं है, वो हम पर्ची निकलवा के सरकारी खाते पे जाएंगे। तो गाइस ये थे हमारे साथ वकार बलोच और ममताज अली, ममताज मौलाई साहब की मुझे बड़ी याद आ रही है, साईं की परसों फ्लाइट है, संडे को फ्लाइट है, वो वापस आ रहे हैं उमरा करके, तो मेरी कोशिश होगी मैं लेने भी जाऊं, और नेक्स्ट संडे को दावत है शो पर। सही, ममताज मौलाई को मोस्ट वेलकम, आपका अपना शो है, रात मेरा कांटेक्ट हुआ था, और उमरे की बहुत बहुत मुबारक हो उनको। आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ममता साहब को बिल्कुल हम भी मुबारकबाद देंगे इंशाल्लाह, जैसे आएंगे हम भी इंशाल्लाह उनको रिसीव करेंगे एयरपोर्ट पे। मेरे साथ जाएंगे, अलग जाएंगे, फिर वो देखेंगे इंशाल्लाह। चलें, वो उस दिन V8 मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, वो ममताज मौलाई बैठेगा, प्रमोशन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। बस ओके, डन हो गया। सर आप कुछ कहना चाहेंगे शो, लाइव शो में? नहीं। किसी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, शो पे क्यों बैठे हो, मैसेज दो ना कुछ। मैसेज मैं यही दूंगा, टिकटॉक फ्री टाइम में बनाओ, ऐसे फ्री टाइम में बनाओ। फ्री टाइम में मैं तो यही मैसेज दूंगा कि जो ना आजकल का जो चल रहा है, मैं ये कहूंगा कि जो है ना सबसे पहले जो है माँ बाप का एहतराम करें। माँ बाप जो चाहेंगे सही, अगर माँ बाप की आप लोग खिदमत करोगे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ोगे। ऐसा ही है बिल्कुल नाज़रीन, बहुत अच्छी बात की, बहुत प्यारा टॉपिक था कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, सबसे पहले पेरेंट्स हैं, और माँ बाप की मोहब्बत के अलावा हर मोहब्बत झूठी होती है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। बाकी ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, क्योंकि पहले लोग 60 साल जीने का सोचते थे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, आजकल पता ही नहीं चलता कब ज़िंदगी मुख्तसर हो जाती है। तो इसीलिए अपना रखें ख्याल, अपने प्यारों का रखें ख्याल,
और एक दूसरे में एक दूसरे से मैं कहती हूँ इत्तेफाक करें, खुशियाँ बांटें। गम देने वाले बहुत लोग हैं, रोज़ाना बोलती हूँ, रोज़ाना समझाती हूँ कि आपको ये दुनिया गम के अलावा कुछ नहीं देती। और बेशक इंसान इंसान को मखलूक किया है खुदा ने, और उसने ये लिख दिया है, फरमा दिया है कि इंसान हर इंसान चीज़ है धोखा, तो इसीलिए इनके धोखे में हरगिज़ नहीं आना। तो ये वाला सीन है। तो खुश रहें, आबाद रहें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद, मेरे शो को रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।